गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई स्कूल में पोएट्री से थर्ड लेसन द विलेज सॉन्ग, मतलब गांव का गीत। इसमें माँ और बेटी से संबंधित 4 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें 2 पैराग्राफ में मदर आस्किंग कर रही है, मतलब अपनी बेटी से पूछ रही है, और 2 पैराग्राफ में बेटी जवाब दे रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में माँ पूछ रही है बेटी से, क्या पूछ रही है, आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, मतलब हनी मतलब तो शायद होता है मीठा होता है ना, लेकिन यहाँ पर प्यारी बच्ची कहा गया है, प्यारी बच्ची बच्ची माँ के लिए कैसी होती है, प्यारी होती है ना। तो प्यारी बच्ची वेदर आर यू गोइंग, वेदर मतलब होता है वेयर, वेदर मतलब होता है वेदर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रही हो। बेटी क्या करती है, वहां से जब जा रही होती, कहाँ से जा रही होती, अभी आपको आगे पता चलेगा। मैं कहती है प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब होता है आभूषण, गहने जो पहनते हैं शादी के दौरान ढेर सारे। तो वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने सभी गहनों को ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी गहनों को हवा में ऐसे उछाल के मतलब फेंक करके चली जाओगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, मतलब जिसने तुम्हें सोने जैसे अनाज के दानों को खिला खिला के पाला है। अम्मा बच्चों को भले ही गेहूं खिलाती हो, चावल खिलाती हो, उसके पास खाने को हो ना हो, लेकिन वो बच्चों को जरूर खिलाती है। इसीलिए कहा गया है उस भोजन को या भोजन के दानों को सोने की तुलना की गई है यहाँ को। तो माँ कहती है कि बेटी क्या तुम उस माँ को छोड़ जाओगी जिसने तुमको बड़े ही प्यार से पाला पोषा है। वुड यू ग्राइव योर लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को बहुत दुख दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो घोड़े पे सवार होके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उस अपने प्रेमी यानी कि पति को ऐसे निराश करके दुख में छोड़ के चली जाओगी। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में बेटी क्या जवाब देती है। सेकंड पैराग्राफ में बेटी क्या कहती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मदर माइन मेरी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल होता है, वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब यहां पर है प्राकृतिक जंगल, थोड़ा सा सुंदरता से भरा हुआ, ठीक है। मेरी माँ, मैं प्राकृतिक वन को जा रही हूं, मतलब वो कह रही है कि माँ मैं जंगल को जा रही हूं। वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर जहां मतलब कहां, जंगल की बात कर रही है कि जहां, वेयर अपॉन द चंपा बोस, जहां चंपा की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियां आर ब्लोइंग, खिल रही है, मुस्कुरा रही है। टू द कोयल हॉन्टेड, कोयल हॉन्टेड का मतलब है कोयल की गूंजने की आवाज आ रही होती है जहां पे, तो टू द कोयल हॉन्टेड रिवर, और जहां पे जो नदियों के बहने की आवाज, झरनों की आवाजें, कोयल की गूंजने की आवाज, और जहां लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर फूल यानी कि कमल, लोटस लिलीज कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं, लहरा रहे, मुस्कुरा रहे, खिल रहे हैं, मैं वहां जा रही हूं, कहती है। द वॉइस ऑफ फेयरी फॉग, द वॉइस ऑफ फेयरी फॉग, जहां परियों की, फेयरी मतलब होता है परी, जहां पे परियों की आवाज यानी कि परियों की गीत या गुनगुनाने की आवाज
आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है। और लिशन सुनो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में माँ बहुत ही उदास है, बहुत ही दुखी है, जब उसकी बेटी शादी के मंडप को छोड़ करके अपने सारे गहनों को फेंक करके जंगल की ओर चल देती है, तो माँ उससे पूछती है कि बेटी क्या तुम चली जाओगी, सारे गहने अपने हवा में ऐसे बिखेर के फेंक के अपनी माँ को छोड़ करके, जिसने तुम्हें बड़े ही प्यार से पाला पोसा है, उसको छोड़ के चली जाओगी क्या। फिर लास्ट में बताती है कि क्या तुम अपने उस पति को निराश करोगी, दुख दोगी, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पे सवार होके आ रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में माँ क्या कहती है, ओ माँ या मेरी माँ, मैं उस प्राकृतिक जंगल को जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की कलियों, चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, और जहाँ कोयल के गूंजने की आवाज, झरनों की आवाज, नदियों की सुंदरता, नदियों के किनारे कमल के कुमुदनी के फूल खिल रहे हैं, वहाँ परियों की आवाज यानी कि परियों की पुकार मुझे बुला रही है, और सुनो। तो ये थे आपके दो पैराग्राफ, अभी आप देखेंगे अगले दो पैराग्राफ। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, जिसमें फिर से मदर कहती है, क्या कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स आर सैंडेड सैंडल सेंटेड लाइजर्स, योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूप सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हॉर्स, ओ वेयर आर यू गोइंग। फिर से वो माँ, इसमें माँ है थर्ड पैराग्राफ में, माँ बेटी से पूछ रही है, और फोर्थ पैराग्राफ में माँ बेटी माँ को आंसर देगी। तो कहती है, प्यारी बच्ची द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, वर्ल्ड जो है फुल ऑफ प्लेजर मतलब सुखों से, आनंदों से भरा हुआ है, ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स मतलब जो वैवाहिक संगीत होता है, जो गीत होता है, और द क्रेडल सॉन्ग्स और लोरियां, वैवाहिक संगीत गाया जा रहा है, लोरियां भी गाई जा रही हैं, शादी के समय पे गाई जाती है ना, तो वही गाई जा रही होती है, उस समय की बात है जब वैवाहिक संगीत बज रहा होता है, लोरियां गाई जा रही होती है, जिसको गांव में कहते हैं कि सब लोग गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो औरतें जो मिल करके छत पे जाती हैं, जो नीचे जितने भी लोग अपना वैवाहिक कार्यक्रम कर रहे होते हैं उनको मीठी मीठी गालियां देती हैं, वही यहाँ पर बताया गया है कि वैवाहिक जो गीत है और लोरियां गाई जा रही है, एंड सैंडल सेंटेड लाइजर्स, और बढ़िया से सुगंधित मौसम है, थोड़ा सुहावना सा मौसम है, कितना अच्छा भाई, शादी के समय पे क्या बहुत ही सुंदर माहौल होता ना, उसी को कह रहे, बहुत ही सुंदर सा माहौल है। फिर योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लोम, तुम्हारे जो ब्रिडल्स मतलब होता है दुल्हन के कपड़े, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुल्हन के कपड़े ब्रिडल रॉब्स, कि दुल्हन के कपड़े तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जो सिल्वर कलर और सैफ्रॉन कलर से चमक रहे हैं, मतलब कपड़े तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार हो गए होंगे, कहीं ना कहीं बात हो रही है घर पर की, तैयारी की जा रही है, तुम्हारे शादी के कपड़े तैयार हो चुके हैं, जो बढ़िया से सिल्वर और सैफ्रॉन कलर से ग्लोइंग हो रहे हैं, सुंदरता उनकी चमक रही है, एंड योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम, हो गया, योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और भट्टी, यहाँ पे हर्थ का मतलब है भट्टी, और ब्रिडल केक्स का मतलब होता है, वैसे केक तो घर की होती है, लेकिन यहाँ पर ब्रिडल केक्स का मतलब है जो पकवान होते हैं जो शादी में बनते हैं, तो पकवान, तुम्हारी शादी के पकवान कहीं ना कहीं बन चुके हैं, या कह लें कि बन रहे हैं, ओह वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। तो इसमें माने कहा कि प्यारी बच्ची ये संसार सुखों से भरा हुआ है, वैवाहिक गीत संगीत और लोरियां गाई जा रही हैं, कितना अच्छा सा सेंटेड माहौल है, सुखद माहौल है,
और ब्रिडल रोब्स आर लूम इन द लूम, और दुल्हन के जो कपड़े हैं वो तैयार हैं जो सिल्वर और सैफ्रॉन कलर से ग्लोइंग हो रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर इन द हर्ट ऑन द हर्ट, मतलब पकवान बनने को है, मतलब कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं। एंड वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। बच्ची क्या कहती है, चाइल्ड कहती है द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड द क्रिडल सॉन्ग्स हैव टंडंस ऑफ सारो। वो कहती है ये जो वैवाहिक गीत हैं, ये जो लोरियां हैं, ये सभी दुखों से भरी हुई है, या टंडंस ऑफ सारो दुखों से भरी हुई है। वो ये इस बात से उजागर करा रही है कि सभी क्या होते हैं कि शादी का लड्डू ऐसा जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। तो उसको माँ को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ 4 दिनों का सुख है, उसके बाद एक बंधन में बंध जाना है और हमेशा कष्ट ही भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ से हम चले जाएं अपना जंगल में, अच्छे से खुले माहौल में अपना जीवन बिताएं। तो वो कहती है कि जो वैवाहिक संगीत है और जो आपके जो लोरियां ये जो सो गाई जा रही हैं, अभी के लिए तो ये बहुत ही सुंदर अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये आने वाले दुख का प्रतीक होती हैं। एंड द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो आज जो ये आज का दिन जो है कहीं ना कहीं लाफ्टर का है, जो खुशी का है, ठीक है। द वाइन ऑफ द डे टुमारो, आने वाला जो समय है, जो मतलब टुमारो मतलब आने वाला जो कल होगा, वो दुख की हवाओं से भर जाएगा। For sweater sound and forest note, where forest stream of falling, तो वो कह रही है कि जहाँ पर झरनों की झरझराहट जो आवाजें आ रही हैं, notes forest stream of falling, जहाँ पे झरने गिर रहे हैं, वो वहीं के लिए बता रही है, जंगल में जा रही है। तो ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियों के गीत हैं, संगीत हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। तो लास्ट वाले पैराग्राफ में बच्ची ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जो वैवाहिक या कह लीजिए जो विवाह होता है, तो उसको वो अच्छा नहीं मानती है। वो कहती है आज के लिए तो ये जो सुख का दिन लग रहा है, आने वाले समय में ये दुख से भर जाएगा। 4 दिन सुख के हैं, लेकिन आगे वाले पूरे जो मेरी पूरी जिंदगी है वो दुखों से भर जाएगी। जो आज खुशी का दिन है, ये कल दुखों की हवाओं में बदल जाएगा। तो इसलिए मैं उस जंगल को जा रही हूँ, फॉरेस्ट को जा रही हूँ, जहाँ पे झरनों की आवाजें, नदियां बह रही हैं, झरनों की आवाजें आ रही हैं। ओ मेरी माँ, ओ मदर माइन, मेरी माँ, I cannot stay, मैं नहीं रुक सकती, एंड द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं। तो ये था आपका द विलेज सॉन्ग, जिसमें 4 स्टैंजास थे। 2 स्टैंजास में फर्स्ट और थर्ड में माँ क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है, और सेकंड और फोर्थ पैराग्राफ में बेटी आंसर दे रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।